Hello everyone. Welcome to Adder 24/7. Adder 24/7 live session को मु विभूति दास आपन समस्त वेलकम करू छी. एंड पिला माने आज हमें जनरल अवेयरनेस रो डे 5 रे पहुंच जाय छै. एंड आज मध्ये मु किछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबी. जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के तुम्हारे एग्जाम को क्रैक करि बारे बहुत हेल्प करिवो, खास कर तुम्हारे अपकमिंग एएसओ एग्जाम पई बहुत हेल्पफुल हो पिला माने. चलते टाइम वेस्ट करें नहीं, फटाफट सेसन को स्टार्ट करवा. आज आम डिस्कसन करने जाऊे टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, जोटा कि आगर कर पाने. आज आम डिस्कसन करवा टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स पिला माने ठीक अच्छे ना, आम 60 क्वेश्चन डिस्कसन करने जाऊे. एंड आज हूँ पवित्र घोष यात्रा, तुम समस्त जाच. एंड ये पवित्र घोष यात्रा तुम समस्त को भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद रहू तुम उपरे एंड तुम परिवार उपरे. प्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रहू पिला माने. तुम माने जो आशा नहीं कि आडा प्लेटफॉर्म रे क्लासेस करूछ एंड आडा प्लेटफॉर्म को तो एते परिमाण रे भल पाइबा देछ, भगवान जगन्नाथ आशीर्वाद रहू एंड तुमको बहुत शीघ्र सक्सेस मध्ये मिल जाऊ. एंड आज तुम मोटिवेट करने गोटे मोटिवेशनल थॉट नहीं कि आसी पिला माने. एंड आज मोटिवेशनल थॉट तुम्हारा रोचे आपण सफलता अपेक्षा विफलता ठूँ अधिक शिक्षा करतु एवं यह शिक्षा करवा बंद करतु ना, कारण विफलता चरित्र निर्माण कर पे सब मन रखता. आम भावे सफलतारू ही आम शिक्षा ग्रहण करुचे ना पे, सफलता ठूँ विफलतारू आम अधिक शिक्षा ग्रहण करुचे. एंड ये शिक्षा ग्रहण टाक आम के बंद करवानी पे. एंड सब मन रख पे कहीं विफलता ही आम चरित्र निर्माण करुचे. आज जीवन में जो भूल करे आम के चाहबानी आल करवाक. आज आम गोटे भूल करे जो भूल कि आमको आम सोसाइटी प्रेस्टिज दे पे आम सोसाइटी समस्त आगे इनसल्ट कराई आम से भूल को केवे दोहर के दोहर तो भूलटा आम कह पे विफलताटा आम चरित्र निर्माण कर. आशा करी ये मोटिवेशनल थॉट तुमको बहुत मोटिवेट कर. तुमने आडर 24/7 ऐप को प्ले स्टोर रु इनस्टॉल करके पे तुमने क्लास कर पार. तो आडर 24/7 ऐप को प्ले स्टोर इनस्टॉल करो, प्रोमो कोड Y281 पे नेक्स्ट की प्रोमो कोड. चलो तुमने समस्त पीडीएफ टा टेलीग्राम रु पाइज पे, तुम समस्त पीडीएफ गुड़ाक टेलीग्राम पाइज. तुम समस्त आडर 24/7 ओडिया टेलीग्राम चैनल को जॉइन करो ठीक अच्छे क्लियर. चलो सेशन को स्टार्ट कर पे. एंड आज मु बहुत सारा ओडिशा क्वेश्चन टी रखी पे, बहुत सारा ओडिशा क्वेश्चन एंड अवार्ड वाला क्वेश्चन को आज रखी. तो चलो आउ टाइम वेस्ट कर फटाफट सेशन को स्टार्ट कर. एंड जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कह समस्ते जल्द जल्द आंसर कहे समस्ते जल्द जल्द आंसर कहे. क्वेश्चन आसला Who of the following personalities of Odisha on the PETA, जोड़ा क्या कहते हैं पीपल फर द एथिकल ट्रीटमेंट, जोड़ा क्या कहते पीपल फर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. ओके PETA अवार्ड जल्दी कहे, PETA अवार्ड, PETA 2020 अवार्ड टा क्या मिले जल्दी कहे पे. आज ओडिशा क्वेश्चन आड कर पे जल्दी जल्दी टी आंसर कह जल्दी जल्दी टी आंसर कह. आज ओडिशा क्वेश्चन अवार्ड वाला क्वेश्चन को आड कर आज सेसन में टी टॉपिक वाइज टी आज आड कर. क्या पे PETA अवार्ड मिली मन रखा दरकार क्या ना नवीन पट्टनायक मिली पे क्या नवीन पट्टनायक 2020 PETA अवार्ड ठीक अच्छे. PETA स्टैंड्स फॉर तुम्हें समझ जाच पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल. PETA अवार्ड 2020 क्या मिली ना चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पट्टनायक मिली पे ठीक अच्छे. नेक्स्ट व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन पूर्वोदय लॉन्च इन इंडिया. तो इंडिया जो मिशन पूर्वोदय को लॉन्च कराया था तर मेन ऑब्जेक्टिव कौन, मिशन पूर्वोदय मेन ऑब्जेक्टिव कौन हु कैन से. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन पूर्वोदय लॉन्च इन इंडिया. तो इंडिया जो लॉन्च होता है मिशन पूर्वोदय मेन ऑब्जेक्टिव कौन पे माने. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन पूर्वोदय लॉन्च इन इंडिया. तो इंडिया जो सॉरी पे यस मिशन पूर्वोदय जो लॉन्च कराया था मेन ऑब्जेक्टिव कौन. प्रियंका वेरी गुड इवनिंग. तो मन रखा दरकार तुम्हें समस्त मन रखा दरकार बनीता नेक्स्ट टाइम तुम भूल करनी ठीक अच्छे. तो मिशन पूर्वोदय को लॉन्च कराया था मेन ऑब्जेक्टिव कौन पे माने ना ओडिशा को गोटे स्टील हब बनवा टू मेक ओडिशा द स्टील हब इन इंडिया. तो मतलब ओडिशा को गोटे स्टील हब बनवा जो कि कौन ना मेन ऑब्जेक्टिव पे मिशन पूर्वोदय. तो मिशन पूर्वोदय मेन ऑब्जेक्टिव कौन ना इंडिया पे जी कह भारत क्या सहित
মিৎসুবিশি মিশন পূর্বোদয়কে লঞ্চ করেছি না ভারত জাপান সহ মিশিকি পিলামানে মিশন পূর্বোদয়কে লঞ্চ করেছি তো কাজে মিশন পূর্বোদয়ের মেইন অবজেক্টিভ কোন না ওড়িশা গুড়ে স্টিল হব বানাইবা হচ্ছে মিশন পূর্বোদয়ের মেইন অবজেক্টিভ যদি কইবা কোয়া ট্রাইব কোরে কোয়া ট্রাইবাল পিপল মান করো যদি কাজে পিলামানে ঠিক আছে না ভিলেজ হেড কো কোন কাজে কোয়া ট্রাইবাল পিপল মান করো ভিলেজ হেড কো আমি কোন কোছন্তি না কোয়া ট্রাইবাল পিপল মান করো যদি ভিলেজ হেড কথা নবা তো ভিলেজ হেড মান কোন কাজে না পেড়া কাজে কোন কাজে পিলামানে পেড়া ओके पेड़ा होची कोनो ना कोया ट्राइबल पीपल मानकर विलेज हेड को पेड़ा को आसे अनुप बराल वीरेंद्र लकरा प्रभोत तिर्की ए माने को स्पोर्ट्स सहित एसोसिएटेड जल्दी कहिबो अनुप बराल आसले वीरेंद्र लकरा आसले प्रभोत तिर्की आसले ए माने को स्पोर्ट्स रिलेटेड प्ले माने ना फील्ड हॉकी सहित रिलेटेड मन रखियो अनुप बराल वीरेंद्र लकरा दिलीप तिर्की बनिता टोपो तो समस्त मन रखा दरकार ए माने होचोंदी का सहित रिलेटेड प्ले माने हॉकी सहित रिलेटेड फील्ड हॉकी सहित रिलेटेड प्ले माने एतबे समस्त मन रखा दरकार 2023 मसेर जो फील्ड हॉकी बा हॉकी रो जो वर्ल्ड कप होपाय जाउची कुडा होपाय जाउची ना ओडिसा रो होपाय जाउची प्ले माने ओडिशा दुटा स्टेडियम जो कहवा बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम आउट कौन ना कह कलिंग स्टेडियम हाँ जाऊँ तुम समस्त जानते भी एंड आशा करी तुम समस्त परफेक्टली मन में रख क्लीयर तरुणकांति मिश्र को साहित्य एकाडेमी अवार्ड 2019 मिलता पे मैंने 2019 तरुणकांति मिश्र को आम जब कह साहित्य एकाडेमी अवार्ड मिलता तो कौ बुक तरुणकांति मिश्र को साहित्य एकाडेमी अवार्ड मिलता मन रखे भाष्वती क्या पे मैंने ना भाष्वती एंड तुम मन रखा दरकार जब कह 2022 कह रिसेंट क्या मिली कही पार रिसेंट क्या मिली मन रखे ऋषिकेश मल्लिक क्या मिली पे बार बार कही क्या मिली ऋषिकेश मल्लिक को कौन पाई पी मैंने ना सरी जा अपेरा सरी जापेरा सरी जापेरा क्या मिली ना ऋषिकेश मल्लिक को मिली ऑल क्लियर बुझल पे क्लियर ना चलो वेरी गुड बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन आसला क्वेश्चन आसा पूर्व मुझ तुमको कह रखे पे डिफरेंट बेच आडा स्टोर अच्छे तुमने चाहो आडा स्टोर बेच गुड़ाक एनरोल कर एनरोल कला बेले गोटे प्रोमो कोड कदापि भूल पाने वाई 281 वाई 281 तुमने प्रोमो कोड को जमार भूल क्वेश्चन अरे यार क्लियर वाई 281 प्रोमो कोड यूज कर तुम्हारे बेच को एनरोल कर पारे पे एंड अबिप्सा प्रो को एनरोल करने वाई 281 प्रोमो कोड यूज कर पे ठीक अच्छे हाँ अबिप्सा प्रो पर वाई 281 प्रोमो कोड यूज कर साफल्य कंप्लीट जनरल अवेयरनेस पेज एंड पेज पर तुमको एनरोल कर एंड तुमको प्रोमो कोड यूज कर वाई 281 पे क्लियर एंड प्रथम प्रथम पे तुमको वाई 281 प्रोमो कोड यूज कर कंप्लीट ओ डबल एस एस एजीएल पेज पे एंड मॉक टेस्ट एंड डिस्कशन पेज ब्रह्मास्त्र 2.0 वाई 281 प्रोमो कोड यूज कर ऑल क्लियर बुझिपाल क्लियर ना ये आचार्य टी टी बेच तुमने प्रोमो कोड यूज कर कौन वाई 281 ऑल क्लियर चलो वेरी गुड एंड पे आप तुम ठीक आप जो सेसन पर गोटे बहुत बढ़िया सेसन नहीं आसे जोटा कि आम जाणी रखा दरकार आम कल्चर विषय एंड आम रथयात्रा विषय जाणी रखा दरकार एंड आम रथ गुड़ाक ना जाना दरकार रथ में जो घोड़ा गुड़ाक रही ना जाना दरकार को को रथ के मानते चक रोच एंड तार सारथी किए ये सब जिन गुड़ाक जाणी रखा दरकार तो तार जो डिफरेन्ट कलर्स थाए से कलर्स गुड़ाक इंडिकेट कै तो श्री जगन्नाथ रथयात्रार किसी जना अजना कथा को लेकिन आस पे ठीक 8:00 ये सेसन पर आने तुम्हें समस्त जॉइन कर तुम्हें समस्त जॉइन कर पे क्लियर एंड प्रभु जगन्नाथ माने मु जो कहे आम ओडिशा जो आराध्य देवता खास करी मु भगवान जगन्नाथ को भी बहुत विश्वास करे एंड सब प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करे एंड तुम समस्त आप जॉइन कर मो जगन्नाथ कथा तुम मानक भी आम विश्वर आम ओडिशा जे कि आराध्य देवा जगन्नाथ कथा डिस्कशन करवापर मुझे कहि रथयात्रा पर बहुत सारा जिनस ओके नेक्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल ट्रैवल मैनेजमेंट दैट इज कॉल्ड एज IITTM ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट केटअप होता जदि कह पे फटाफट आंसर कहते हैं इंडियान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट केटअप होता जल्दी कहते जल्दी कहते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट वाज सेट अप इन ओडिशा इन व्हिच ईयर तो को ईयर सेटअप होता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ओडिशा रे केबे सेटअप होता तू जानलु का केबे सेटअप होता 1983 1983 मसे सेटअप होता पले माने ओके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन भुवनेश्वर एंड इट वाज सेटअप इन 18 जनवरी 1983 केबे सेटअप होता ना 18 जनवरी 1983 मसे सेटअप होता पले माने बुझी पारिलो चल रे नेक्स्ट क्वेश्चन आसला तुम समस्त जाच पे ना पेंटिंग्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ ओडिशा इज नोन एज इकन तो कौ ट्राइबल पीपल मन को पेंटिंग को इकन पेंटिंग को आसे जल्दी कहो कौ ट्राइबल पीपल मन को पेंटिंग को इकन पेंटिंग को आसे जल्दी आंसर कहो इकन
द पेंटिंग्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स अपोडिस साइज नोन एज इकॉन कहार माने कोइबा पिला माने को ट्राइबल पीपल माने को पेंटिंग को इकॉन पेंटिंग कहा जाए मन रखे सौरा मान पेंटिंग इकॉन पेंटिंग को आसे सौरा मान पेंटिंग को इकॉन पेंटिंग कहा जाए पे बुझ पाला द पेंटिंग ऑफ सौरा ट्राइबल पीपल इज नोन एज इकॉन तो सौरा मान जो पेंटिंग कौन कौन ना इकॉन पेंटिंग कौन जो मैंने भूल आम प्रेसीडेंट सांताली ना ना सी जी किए आसती सांताली जानी तुम्हें है नेक्स्ट चढ़िया नाटा कौ डिस्ट्रिक्ट मोस्ट जो कह जाए कौ डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेटेड चढ़िया नाटा तो मन रखा दरकार चढ़िया नाट जब कह डिस्ट्रिक्ट सहित रिलेटेड पे तो मन रखे चढ़िया नाटा आम जब कह चढ़िया नाट गोटे फक ड्रामा तुम समस्त जाच एंड मोस्ट पपुलार इन मयूरभंज एंड बालासोर तो मयूरभंज एंड बालासोर चढ़िया नाटा मोस्ट पपुलार पे ये सब न बुझिपार चलो वेरी गुड नेक्स्ट टू अफ द फलोईंग पर्सनालीटी व्वाज आल्सो नोन एज खोखा भाई क्या खोखा भाई कहसे तुम जाच अक्षय महांती कौन कहते खोखा भाई कहसे जल्दी कहे खोखा भाई क्या कहसे अक्षय महांती को खोखा भाई कहसे पे नेक्स्ट नेक्स्ट कह फेमस प्ले सहधर्मिणी व्वाज रिटन बाय ह्विच अफ द फेमस नोवेलिस्ट अफ ओडिशा ओडिशार कौ नोवेलिस्ट द्वारा जो कह फेमस प्ले सहधर्मिणी लिखा जाता सहधर्मीटा सहधर्मिणीटा क्या द्वारा लिखा जाता जल्दी आंसर कह सहधर्मिणी क्या द्वारा लिखा जाता तेज मन रखा दरकार फेमस प्ले सहधर्मिणी गोपाल छोटराय द्वारा लिखा जाता प्लान क्या द्वारा गोपाल छोटराय द्वारा लिखा जाता बुझिपार केवे लिखा जाता 1942 मसीह गोपाल छोटराय द्वारा लिखा जाता गोपाल छोटराय को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिया थिएटर को आसे पे गोपाल छोटराय को कौन कहा आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिया थिएटर को आसे नेक्स्ट कुमार पूर्णिमाटा फेमस कोटी ढेंकानाल लक्ष्मी पूजा तुम जाच तो कुमार पूर्णिमाटा ढेंकानाल फेमस नाइक जब कह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज जब देखा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आसे कौन हम ना देवगढ़ जब कह लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज गंजाम एरिया वाइज मयूरभंज एरिया वाइज कौन कही मयूरभंज ऑल क्लियर वेरी गुड ओडिशा हाइकोर्ट इनॉग्रेटेड इन व्हिच ईयर तो कोई ईयर ओडिशा हाइकोर्ट इनॉग्रेट होता 1948 बुझिपारल तो July 26, 1948 रे ओडिशा हाइकोर्ट इनॉग्रेट होता जी कह केस्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टा केबे एस्टैब्लिश होता ओडिशा रे केस्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टा ओडिशा रे केबे सेटअप होता केस्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड टा ओडिशा रे केबे सेटअप होता जल्दी कहे केस्यू डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टा ओडिशा रे केबे सेटअप होता 1979 रे पे बुझिपारल जी कह जाए OSCDC केबे एस्टैब्लिश होता ना 79 रे एस्टैब्लिश होता पे तुम्हें समस्त मन रखते अंडर व्हिच एक्ट अंडर कंपनी एक्ट 1956 बुझिपारल वेरी गुड नेक्स्ट जदि कह जाए व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एज पर द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 जदि कह अधिक फॉरेस्ट अच्छी कौ जगार अधिक फॉरेस्ट अच्छी कौ डिस्ट्रिक्ट अधिक फॉरेस्ट अच्छी कंधमाल कौ डिस्ट्रिक्ट अधिक फॉरेस्ट अच्छी पे जदि कह कंधमाल बुझिपारल एंड जदि कह पे ना एग्जाम जो आसला मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर स्टेट मध्यप्रदेश तुम जाच मिनिमम फॉरेस्ट कवर स्टेट हरियाणा ओके जदि कह जाए पे नेक्स्ट 2 वर्ष भितर कौ स्टेट्र फरेस्ट बढ़ी आंध्र प्रदेश नेक्स्ट किए अच्छी ना तेलंगाना तापर किए अच्छी पे ओडिशा नेक्स्ट प्रोफेसर डॉक्टर सतीश आडिगा ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज हैज बीन सिलेक्टेड बाय ICMR फॉर नेशनल अवार्ड पे मन रखिए प्रोफेसर डॉक्टर सतीश आडिगा ऑफ व्हिच ऑफ द व्हिच ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ICMR नेशनल अवार्ड अच्छा मतलब कहते कौ मेडिकल कॉलेज को कह पे ICMR मेडिकल कॉलेज अवार्ड मिले जो कह नेशनल अवार्ड मिले पे कहीपर व्हिच मेडिकल कॉलेज हैज बीन सिलेक्टेड फॉर ICMR फॉर द नेशनल अवार्ड कहपर कौन हम क्या पे मिली तुम्हें समस्त मन रखा दरकार कौन हम ना आम जो कह प्रोफेसर सतीश आडिगा एंड से होती क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी डिपार्टमेंटर पे कौ कलेज ना कस्तूरबा मेडिकल कलेज कस्तूरबा मेडिकल कलेज पे नेशनल अवार्ड मिले ICMR नेशनल अवार्ड मिले बुझिपार कौन कहली प्रोफेसर जब कह सतीश आडिगा कथ कह पे डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल एम्ब्रियोलोजी डिपार्टमेंट जी प्रोफेसर एंड आम जब कह पे कौ मेडिकल कलेज ना कस्तूरबा मेडिकल कलेज जहाँ पे कौन मिली ना नेशनल अवार्ड मिले ICMR बुझिपार ये सन् नेक्स्ट कहबी रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नालीस्ट तो कौ फोटो जर्नालीस्ट को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिली कौ फोटो जर्नालीस्ट को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिली जल्दी कह कौ फोटो जर्नालीस्ट को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिली जल्दी कहे रामनाथ गोयनका अवार्ड हु कैन से कौ फोटो जर्नालीस्ट को रामनाथ गोयनका अवार्ड मिली जल्दी कहे
वेरी गुड, फटाफट आंसर देवे, रामनाथ गोयनका अवार्ड। Who has won the Ramnath Goenka Award in photojournalism? Photojournalism category पे हमने जो दिखाई पा, को photojournalist को Ramnath Goenka Award मिली थी। जल्दी कोई भी देखा first answer की question, जल्दी कोई भी, कहाँ को? पिला मैं जमारु बुली मनी पिला मैंने question डा, कौन है बाप? तब मन रखा तो कर पिला ने, ना जिसान ई लतीफ, है ना? जिसान ई लतीफ, चल क्या मैं कोई भी पिला ने, A option, जिसान ई लतीफ को चल क्या मैं कोई भी Ramnath Goenka photojournalism फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड मिली पाने बुझीपार ये सर न तो ये क्वेश्चन गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हिसाब से ना क्या मिली पाने ना कह जिसान ई लतीफ को जो कह रामनाथ गोयनका फोटो जर्नलिस्ट अवार्ड मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए कि कहो हू हेज रिसेंटली बीन गिवन द वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड क्या मिली? वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड क्या मिली? जल्दी कर वर्ल्ड सीईओ हू कैन से वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ मिली? जल्दी कह देखे फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड कहाँ मिली? जल्दी आंसर कह देखे फर्स्ट आंसर के क्वेश्चन हु कैन से कौन है क्वेश्चन आंसर तो मन रखा दरकार पाने क्या मिली सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड तुम समस्त मन रखा दरकार क्या ना किशोर कुमार यादव को बुझीपार किशोर कुमार यादव को बुझीपाल किशोर कुमार यादव को आम जब कह वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर अवार्ड मिली क्लियर। नेक्स्ट किसी अवार्ड क्वेश्चन रखी जो तुमको कही अच्छा मतलब कहल रेडिंग अवार्ड टा क्या मिली? रेडिंग अवार्ड नेम द विनर ऑफ द रेडिंग अवार्ड फॉर जर्नलिस्ट फॉर द ईयर 2020 2020 रेडिंग अवार्ड टा क्या मिली? को जर्नलिस्ट को रेडिंग अवार्ड मिली? को जर्नलिस्ट को रेडिंग अवार्ड मिली? देखिए आंसर कह पे करेंट एफआर क्वेश्चन कड़ा पे तुमने करेंट एफआर कौन थोड़ा ना सब जगह प्रीवियस ईयर डिफरेंट अवार्ड क्वेश्चन कड़ा नहीं आस रेडिंग अवार्ड क्या मिली पे जमार भूल पे फोटो जर्नालीस्ट दानिक सिद्दीकी दानिक सिद्दीकी को तुम समस्त मन रखा पोस्ट मोस्टली जो प्रेस्टिजियस रेडिंग अवार्ड मिली तुम समस्त जान दानिक सिद्दीकी डेथ भी होता क्लियर एंड दानिक सिद्दीकी को बर्तमान कह पोस्ट मोस्टली कह पे रेडिंग अवार्ड मिली कहू ना दानिक सिद्दीकी। नेक्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड 2021 इन द इंग्लिश लैंग्वेज तो इंग्लिश लैंग्वेज क्षेत्र में कह साहित्य एकेडमी अवार्ड क्या मिली? साहित्य एकेडमी इंग्लिश लैंग्वेज में साहित्य एकेडमी अवार्ड क्या मिली? जल्दी कहे इंग्लिश लैंग्वेज साहित्य एकेडमी अवार्ड जल्दी कहे साहित्य एकेडमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज रे पिला ओडिया लैंग्वेज मु तुमको कहती ऋषिकेश मल्लिक सरी अपरा इंग्लिश लैंग्वेज क्या मिली पे सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जाक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड करेंट एफेयर तुम कही आण एंड नहीं आस पे कनसनट्रेट करके शुण तुम जो डिमांड करके क्या नमिता गोखले कदा भी भूलि नमिता गोखले को जो आम कह इंग्लिश लैंग्वेज में कौन ना जो आम कह साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली तुम्हें मत कह कमेंट सेक्शन में से बुकटा ना कौन जहाँ कि नमिता गोखले को जो साहित्य एकेडमी अवार्ड मिली ओके कमेंट सेक्शन तुम्हें मत कह। नेक्स्ट जी कहला ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड क्या मिली क्या कोमिनेंट पर्सन को आम जब कह ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड मिली जल्दी कह देखा फर्स्ट आंसर किए कह पाने वेरी गुड थिंग्स टू लिव बिहाइंड वेरी गुड बहुत बढ़िया थिंग्स टू लिव बिहाइंड वेरी गुड बहुत बढ़िया हु हेज ओन द ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड क्या मिली पे मैंने जल्दी कहे ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड क्या मिली? ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड क्या मिली जल्दी कह देखे फर्स्ट आंसर किए कौन विराल देसाई प्रीतम तिवारी पंकज देवन नाम कह पाने विरत शेखावत विराट शेखावत जल्दी कहे कौन आस पाने तुम्हें समस्त मन रखा दरकार पाने जब आम कह ना जैसे मैं क्लियर ना विराल देसाई ओके विराल देसाई को मन रख विराल सुबीर भाई देसाई को आम जब कह पाने सुधीर भाई देसाई को जो आम कह पॉपुलर जो आम ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड मिली पे मैंने क्या विराल सुधीर भाई देसाई बुझिपार। नेक्स्ट अच्छा एक क्वेश्चन आंसर किए कह मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड क्या मिली? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2021 जब आम कह मदर टेरेसा सोशल कह मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस क्या मिली देखिए फर्स्ट आंसर किए क्वेश्चन मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस क्या मिली हु कैन से सेसन को लाइक कर
ସେୟାର ବି କର ସେସନ୍ କୁ ଟିକେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ସେସନ୍କୁ ସେୟାର କର। ପିଲାମାନେ ତୁମାନେ ହିଁ କହିଥିଲ, ତୁମାନେ ହିଁ ଆନ୍ସର ମୋତେ କହିବ। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆମେ କହିବା ବା ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲିଷ୍ଟ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀ। କାହାକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ? ଡକ୍ଟର ଅନିଲ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ନା, ତୁମେ ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ସେ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ 2021 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପାଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମଦର ଟେରେସା ମେମୋରିଆଲ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନିଲ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅନିଲ ପ୍ରକାଶ ଯୋଶୀ ତୁମ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୁହାଯାଏ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ 2021, ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? କୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍କୁ ଯଦି କହିବା ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା? ଯଦି କହିବା ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ କୋଉ ଓମେନ୍କୁ ଯଦି କହିବା ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି? ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ ହୁଇଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଗିଭେନ୍ ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ? ଯଦି କହିବା ଦେଖିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସର କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା, ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େ, ଶିଲା ଦାୱେର ଆଣ୍ଡ ଆମେ କହିବା ରୋଶିନୀ ଶର୍ମା। ତମେ ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଥିଲା? ନା ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େ। ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େ ଯିଏକି କର୍ଣ୍ଣାଟକର, ଆଣ୍ଡ ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େଙ୍କୁ ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ୟୁଏନ୍ ଓମେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଅରୁଣିମା ସିହ୍ନା ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େ ହବ। ଦିବ୍ୟା ହେଗଡ଼େ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, କାହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ତୁମେ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲ ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ତୁମେ ହିଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲ ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି, ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେୟାର କରିବ, ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଲାଇଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍କୁ ବଢ଼ାଇବ ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଜଲ୍ଦି କହିବେ। ତ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼କୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିକକ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କାହାକୁ? ନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ଼କୁ। ନେକ୍ସଟ, ନେମ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ କନ୍ଫେୟର୍ଡ ୱିଥ୍ ମୋଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ମୋଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କାହାକୁ? ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ତ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିର୍ଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଗ୍ରୁପ୍ର ଯିଏକି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିର୍ଲା। ତ କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଦ ମୋଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୋଲା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ଆମେ ଯଦି କହିବା କାହାକୁ? ନା କୁମାର ମଙ୍ଗଲମ୍ ବିର୍ଲାକୁ। ନେକ୍ସଟ, ତ କହିପାରିବେ ପିଲାମାନେ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅନର୍ଡ SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ଯଦି କହିବେ SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ତୁମ ମନେରଖା ଦରକାର ପିଲାମାନେ, ଯଦି କହିବା SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ଆମେ କହିବା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଥିଲେ ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ କହିପାରିବେ କି ପିଲାମାନେ ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ 2021? କାହାକୁ? ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ 2021 ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଛି। ହୁ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅନର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ 2021? କାହାକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖା ଦରକାର, କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ଅନର୍ ଫର୍ମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କମେଣ୍ଟେଟର, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖା ଦରକାର, ସୁନୀଲ ମନୋହର ଗାଭାସ୍କର ବା ଆମେ କହିବା ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା କ୍ଲିୟର ନା କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି? ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି SAFI ମିନ୍ସ କ'ଣ? ନା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଯଦି କହିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ କାହାକୁ ମିଳିଲା? ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ରଖା ଦରକାର, କାହାକୁ ମିଳିଛି? କାହାକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ତୁମେ ସମସ୍ତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ କରିକି ଶୁଣିବା ଦରକାର, କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନା ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ଇଏ ସମୟ ପିଲାମାନେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ନା ଯଦି କହିବା SAFI ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି? SAFI ମିନ୍ସ ଆମେ କହିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯଦି କୁହାଯାଏ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଆୱାର୍ଡ କାହାକୁ ମିଳିଛି ପିଲାମାନେ? ନା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଫେଡେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ାଲ କାହାକୁ ମିଳିଲା? ନା ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କରକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ କହିବା କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଟ୍ ହୁଡ୍ ଯଦି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ
हु रिसीव्ड नाइटहुड एट विंडसर कैसले लंडन तो नाइटहुड उपाधि क्या मिली नाइटहुड उपाधि जल्दी कह नाइटहुड हु कैन से हु रिसीव्ड नाइटहुड एट विंडसर कैसले लंडन नाइटहुड उपाधि क्या मिली पे जल्दी कह तुम्हें समस्त जान रखा दरकार ये क्वेश्चन टा ना तुम्हें जान रखा दरकार पे कौन ना लुईस हैमिल्टन को ऑल क्लियर पे बुझीपार जब कह लुईस हैमिल्टन को मिली पे ही रिसीव्ड नाइटहुड एट विंडसर कैसले लंडन ओके नाइटहुड क्या मिली ना लुईस हैमिल्टन को क्लियर जी आम कह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से पे टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड क्या मिली टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड कदापि क्वेश्चन को भूलबनी तुम्हें जाणी रखा दरकार भी टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड क्या मिली सिमोने बिल्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जब आम कह टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड क्या मिली सिमोने बिल्स पे कदापि भूलबन क्वेश्चन का मोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब से नेबी पे कनसेंट्रेट करके शुणु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब से नेबी सिमोने बिल्स जमार भूलबन पे सिमोने बिल्स को जमार भूलबन टाइम्स मैगजीन 2021 एथलीट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 200% इंपोर्टेंट क्वेश्चन हिसाब से नेबी पे रामानुजन प्राइज क्या रामानुजन प्राइज मिलता है घोषई तुमको घोषई दे रामानुजन प्राइज तुमको घोषे पूरा मुखस्थ कर जाँची तुम्हें समस्त क्वेश्चन आंसर कहे तुम समस्त आंसर कहपर घोषई दे क्लियर ना पचारा व्हिच इंडियन मैथमेटिशियन हैज बीन ऑनर्ड विथ द रामानुजन प्राइज क्या रामानुजन प्राइज मिली घोषई दे तुमको नीना गुप्ता कदापि भूलबन पे नीना गुप्ता पे नीना लिखिदेवनी नीना लिखिदेले हेनी नीना गुप्ता कि नीना वर्मा ना नीना कि दत्त कि नीना शर्मा तो कौन हम आंसर नीना गुप्ता जब 2021 आम जब कह पे रामानुजन प्राइज यंग मैथमेटिशियन क्या मिली नीना गुप्ता को मिली पे नीना गुप्ता क्लियर नेक्स्ट अच्छा मत कह प्रेजेन्सटा क्या प्रेजेन्स द्वारा कौन होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है प्रेजेन्स अफ विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इन वाटर कजेस ब्लू बेबी सिंड्रोम तो कहार कौ सल्टर प्रेजेन्स द्वारा कौन होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है तुम्हें मन रखा दरकार ब्लू बेबी सिंड्रोमटा सब नाइट्रेट्र प्रेजेन्स द्वारा कौन होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पे कनसेंट्रेट करके शुभ कहार प्रेजेन्स द्वारा ना ग्राउंड वाटर जब नाइट्रेट्र कंटेन्टा बढ़ी जाए तो कौन हुए ना ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है पे बुझिपार नेक्स्ट जी कहे हेरपाटोलोजी स्टडी अफ टेस्ट पे कह स्टडी को आम हेरपाटोलोजी कौन कहार स्टडी को आम हेरपाटोलोजी कौन हेरपाटोलोजी कह स्टडी को कौन पे तुम जाच आम्फीबियांस एंड रेप्टाइल स्टडी को आम कौन कौन आम्फीबियांस और रेप्टाइल स्टडी को आम कौन कौन हेरपाटोलोजी कौन पे अच्छा मतलब कहल जो ट्री रेस्पिरेटरी रूट थाए से ट्री को आम कौन कौन पे जाच जारे कि रेस्पिरेटरी रूट थे मेनग्रुप कौन मेनग्रुप ट्री जार कि रेस्पिरेटरी रूट थे आम कौन कौन मेनग्रुप ट्री कौन रेस्पिरेटरी रूट थी ट्री को आम कौन कौन मेनग्रुप ट्री कौन अच्छा आटा मत कह ना फास्ट जब आर्टिफिशियली को एलिमेंटा प्रड्यूस होता पे फास्ट एलिमेंट जो आर्टिफिशियली प्रड्यूस होता है ना कौन जमा भूल पे टेक्निटियम बुझीपार तो टेक्निटियमटा जो आम कह पे टेक्निटियम जो कि कौन आर्टिफिशियली प्रड्यूस होता पे टोटल एलिमेंट 118 ना नेचुराल के 94 आर्टिफिशियल के 24 तो फास्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट ना कौन ना टेक्निटियम बुझीपार तो टेक्निटियम हो कौन ना फास्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट जदि मुझ कह लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ कोल गैस जब कह कंपोनेंट अधिक था मन रखे पे कार्बन मोनोक्साइडा सीओटा पे अधिक परिमाण था कोल गैस कार्बन मोनोक्साइड जी कौन कै क्या सहित मिसे हेमोग्लोबिन सहित मिसे कौन प्रड्यूस कै कार्बोक्सी अरे यार सॉरी कौन दे लार्जेस्ट सॉरी पे लार्जेस्ट कंपोनेंट पचारा सॉरी लार्जेस्ट कंपोनेंट आसे सॉरी लार्जेस्ट कंपोनेंट आसे पे हाइड्रोजन हम क्लियर जदि कह जो कि कौन करता है जोड़ी की सफोकेशन करेंगे कौन ना कार्बन मोनोक्साइड लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन आसे मन रखा दरकार 50% मिथेन आसे 35% कार्बन मोनोक्साइड 10% एंड इथिलीन आसे 5% हम सॉरी पे जी पचारा कोल गैसटा कहीं कौन गोटे मानते कह प्रोड्यूसर गैस आसला कि आम जब कोल गैस आसला तो कौटा कि गोटे मानते जो कहुए पे जो गोटे पॉइजनस गैस था जोड़ा कि कौन ना हेमोग्लोबिन सहित मिसिक कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन क्रिएट करता से कौन पड़ा कार्बन मोनोक्साइड सी हम बट ये मुझे देखी नी लार्जेस्ट कंपोनेंट आसा मन हाइड्रोजन ओके कोल गैस जो लार्जेस्ट कंपोनेंटा गोटे हाइड्रोजन अच्छी तो हाइड्रोजन केत परसेंट अच्छी हाइड्रोजन 50 मिथेन 35 कार्बन मोनोक्साइड 10 एंड इथिलीन आसे 5% ओके वेरी गुड नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन आसला ए भितर पचारा मेटाल ओरटा कौटा करेक्टली मैच देख आईरन मैग्नेटाइट ठीक अच्छे आम जब कह गोल्ड बॉक्साइट ठीक अच्छी सॉरी एल्युमिनियम बॉक्साइट ठीक अच्छे गोल्ड कार्बोनेट तो ठीक अच्छे कैल्शियम कार्नालाइट एटा हमने पे ठीक अच्छे कहीं आम जब कह कार्नालाइटा कह रोर पोटासीयम रोर कार्नालाइटा कह रोर पे ना पोटासीयम रोर कार्नालाइट तो आंसर कौन ना डी ऑप्शन राइट आंसर कार्नालाइट होना पोटासीयम रोर ओके वेरी गुड नेक्स्ट
আচ্ছা মতো কইলো পিউরেস্ট ফর্ম অফ আইরন আমি বারবার ঘুষিছে পিলা মানে রট আইরনটা কোন আছে না পিউরেস্ট ফর্ম অফ আইরন আছে পিউরেস্ট ফর্ম অফ আইরন আছে না রট আইরন আছে নেক্সট হোয়াট ইজ দা মেইন কনস্ট্যান্ট দেখো বিলান বায়োগ্যাস তলা বায়োগ্যাসর মেইন কনস্ট্যান্ট আসলে কোন না মিথেনটা সিএস ফর মিথেন তুমি সমস্ত জানিছো তো বায়োগ্যাস আমি যদি মেইন কনস্ট্যান্ট আসিব মিথেন আছে মিথেন কে আমি কোন কোচ না মার্স গ্যাস মধ্যে কোচ এই সন পিলা মানে কোন কোচ না মিথেন কে আমি মার্স গ্যাস মধ্যে কোচ ওকে কোল মাইন্স যদি কোয়া যায় এক্সপ্লোশন হয় কার দ্বারা না কো গ্যাস না তুমি মনে রাখা দরকার পিলা মানে না মিথেনটা নেক্সট Who established concept of absolute zero? So absolute zero da ku absolute jodi zero absolute zero concept da ku ki establish koritle pila mane Lord ame koy pila Kelvin ko dara absolute zero concept ta kon aitla na explain kara aitla pila acha manko 0 degree Kelvin ko ame kon ko jana 0 Kelvin ko ame absolute zero ko chan pila 0 Kelvin ko to pila manko 0 Kelvin is equal to minus 273 point kon na 15 degree centigrade ase is equal to minus 460 degree Fahrenheit ase absolute zero means 0 Kelvin okay eta ku যদি কোয়া যায় এস্টাবলিশ করেছিল কি এই কনসেপ্ট না লর্ড কেলভিন ওকে ভেরি গুড থ্যাংকস আচ্ছা মতো কইপারি বলেন ক্রিসকোগ্রাফ দেলা তো ক্রিসকোগ্রাফটা কাহা দ্বারা ইনভেন্ট হইতো যদি প্লান্ট তো প্লান্ট কেতে গ্রোথ কলা প্লান্ট কেতে গ্রোথ কলা কাহা দ্বারা মেজর করা যায় না প্লান্ট কেতে গ্রোথ করুচি কাহা দ্বারা মেজর করা যায় বলে না প্লান্ট রো গ্রোথ আমি কোন ক্রিসকোগ্রাফ দ্বারা মেজর করা যায় কাহা দ্বারা ক্রিসকোগ্রাফ তো ক্রিসকোগ্রাফ ইনভেন্টর কি না জেসি বোস জগদীশ চন্দ্র বোস বুঝি পারলে তো ক্রিসকোগ্রাফ ইনভেন্টর আসলে কোন হবো জগদীশ চন্দ্র বোস বা জেসি বোস কি কোন ক্রিসকোগ্রাফ ইনভেন্টর আসন্তি বুঝি পারিল ভেরি গুড নেক্সট যদি কহিলা হুইচ অফ দ্য ফলোইং মেটেরিয়াল ক্যান বি ইউজড বাই ফার্মার্স টু ট্রিট দ এসিডিক সয়েল তো এসিডিক সয়েল কু ট্রিট করা পাই কুইক ল্যাম্প স্লেক ল্যাম্প টক তো তিনটা কু ইউজ করা যায় পিলা মানে কুইক ল্যাম্প কু ইউজ করা যায় স্লেক ল্যাম্প কু ইউজ করা চক মধ্যে ইউজ করা তিনটা কু ইউজ করা যায় পিলা নাম যদি কইবা না এসিডিক সয়েল কু ট্রিট করা পাই আচ্ছা পিঙ্ক আই পচালা হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিজিজ ইজ নন এজ পিঙ্ক আই তো কো ডিজিজ কো আমি পিঙ্ক আই কোশন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিজিজ ইজ কল্ড এজ পিঙ্ক আই তো মনে রাখো পিঙ্ক আই কনজুক্টিভিটিস কো আমি কোন কোন পিঙ্ক আই পৌঁছন হেলা শর্ট সাইটনেস শর্ট টাই সাইটনেস দ্যাট ইজ কল্ড এজ মায়োপিয়া লং সাইটনেস দ্যাট ইজ কল্ড এজ হাইপারমেট্রোপিয়া পিলা মানে ওকে দেন কো পিঙ্ক আই কনজুক্টিভিটিস তো আমি কোন কোন পিঙ্ক আই কোশন তো কনজুক্টিভিটিস দ্যাট ইজ কল্ড এজ পিঙ্ক আই নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলোইং অলসো নন এজ হোয়াইট গোল্ড কোডা আমি হোয়াইট গোল্ড কোশন না সবলে মনে রাখো প্লাটিনম দাকু হোয়াইট গোল্ড কু আসে প্লানে প্লাটিনম হোয়াইট গোল্ড কু আসে নেক্সট হুইচ এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান ফিজিসিয়ান ইজ নোন এজ ফাদর অফ সর্জরি কাহাকে আমি ফাদর অফ সর্জরি কৌছন্তি পিলা মানে না সুশ্রুতঙ্কু কোন কুহাছে না ফাদর অফ সর্জরি কু আসে ফাদর অফ সর্জরি আসলে কি হবে না সুশ্রুত যে কি কোন আসে না ফাদর অফ সর্জরি আসছন্তি পিলা আচ্ছা যদি কোশ্চেন আসলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিফারেন্স বিটুইন আরবিসি ডব্লিউসি আরবিসি আর ডব্লিউসি তে ডিফারেন্সটা পচালা তো আরবিসি আর সিমিলার ইন আর স্মলার ইন সাইজ বট লার্জার ইন নম্বর কম্পেয়ার টু দ্য ডব্লিউবিসি ওয়াইল আরবিসি ডু নট have nucleus, WC have nucleus, which are the following? So, pila mane answer kon hobo? Na answer kon hobo na C option hobo both are correct. Kain RBC da chotto kimba adhiko pariman ta ami ka RBC da size small thai but adhiko pariman ra thai. And RBC WBC kotha de dekhiba RBC ra kon na nucleus na thai but WBC nucleus thai means ami ka di tag was separate correct. To jodi RBC WBC ratio asle keta asa na 600 is to 1 asa plan 600 RBC ra gote WBC thai. Yes or no? Very good text. The title Tofani was given to Mahatma Gandhi ওয়াজ গিভেন বাই মহাত্মা গান্ধী টু হুইচ ফেমস পর্সনালিটি আচ্ছা তোফানি বলে মহাত্মা গান্ধী কাহকু সম্বোধিত করেছিল তুমি সমস্ত জাগিছ তোফানি বলে কাহকু সম্বোধিত করা হয়েছিল মালতী চৌধুরীঙ্কু তোফানি বলে মহাত্মা গান্ধী দ্বারা সম্বোধিত করা হয়েছিল পিলানে কাহকু না মালতী চৌধুরীঙ্কু যেটাকে আমি তোফানি বলে মহাত্মা গান্ধী দ্বারা সম্বোধিত করা হয়েছিল তো আনসর কোণ হবো তোফানি আসলে কোণ হবো না মালতী চৌধুরী হবো আচ্ছা ভাতহাণ্ডি কোডাকু ভাতহাণ্ডি কুহাযায় পিলামানে ভাতহাণ্ডি কোডাকু ভাতহাণ্ডি কুহাযায় না বরগড়টাও কোণ কুহাযায় না ভাতহাণ্ডি অফ ওড়িশা কুহাযায় পিলামানে কোডাকু কুহাযায় ভাতহাণ্ডি ना बरगड़ को जोड़ा कि भात हाँडी अफ ओडिशा कहुए ओके ये इजी क्वेश्चन अच्छी पे जेहतु आज मोर रथयात्रा थी एंड मुझे मंदिर को पलि थी तो इजी क्वेश्चन गुट रखी आज गोटे दिन टी मैनेज कर दिव्य कल की तुम्हें पछा पछा क्वेश्चन नहीं आस डिस्कसन करी है जी क्वेश्चन आसला ईस्ट कोस्ट प्लेन अफ ओडिशा इज पॉपुलरली नोन एज गिफ्ट अफ सिक्स रिवर है ईस्ट कोस्ट प्लेन टाक गिफ्ट अफ सिक्स रिवर्स कौन तो पचारा हुई अमंग द फलोइंग इज आर नॉट द पार्ट अफ सिक्स रिवर्स तो जो छटा रिवर किए पार्ट नो तो ओबियसली क्वेश्चन आंसर कौन हम पे ना छटा रिवर हो सुवर्णरेखा बुढ़ा बलंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या मन रखा दरकार पे महानंदा तो महानंदा पे जो सिक्स रिवर्स पार्ट नु तो छटा रिवर कौन कौन ना सुवर्णरेखा बुढ़ा बलंग बैतरणी ब्राह्मणी महानदी ऋषिकुल्या बट महानंदा पार्ट नु पे बुझिपार क्लीअर नेक्स्ट हुईच इन हुईच प्लेस ओडिशा गवर्नमेंट कैटल ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड तो ओडिशा कौ जगह कैटल ब्रीडिंग फार्म अच्छी ओडिशा कौ जगह कैटल ब्रीडिंग फार्म अच्छे तो तुम समझ जान रखा दरकार ओडिशा कौ जगह कैटल ब्रीडिंग फार्म अच्छे पे मैंने कैटल ब्रीडिंग फार्मा मन रखे सुनाबेड़ अच्छे ओडिशा कौ जगह ना सुनाबेड़ आम जो ना कैटल ब्रीडिंग फार्मा अच्छे व्हाट इज द रैंक ऑफ ओडिशा इन द टर्म ऑफ डिपेंडेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर फ्यूलवुड तो जाली काठ संग्रह पे जब देखा जो रैंक बाहर कराई तो ओडिशा रैंकटा के नंबर
ନାମଟା ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଯଦି କହିବା ଫୁଏଲ ଉଡ୍ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଡିପେଣ୍ଡାନ୍ସିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ନମ୍ବର ଅଛି, ଦୁଇ ନମ୍ବର କିଏ ଅଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ନିଅର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍? ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଥିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ମନେ ରଖିବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଥିବା, ଯଦି ଆମେ କହିବା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ନାଁ କ'ଣ ନା ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପିଲାମାନେ, ତ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ଯଦି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ତାହେଲେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ହୁଇଚ୍ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କୋର୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଚିଲିକା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ? ତ ଚିଲିକା ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର କୋର୍ ଏରିଆ କେଉଁ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି? ନଳବଣ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ଚିଲିକାର ଯେଉଁ କୋର୍ ଏରିଆ ନେବା, ଚିଲିକାର ଯେଉଁ କୋର୍ ଏରିଆରେ କେଉଁ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି ନା ନଳବଣ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ତାକୁ କେବେ ଯଦି କୁହାଯାଏ ନଳବଣ ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଯଦି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ଚିଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିଲିକାରେ ଯେଉଁ ଇରାବାଡ଼ି ଡେଲଫିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବ୍ରାକିସ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ପିଲାମାନେ 1980 ତାକୁ କ'ଣ ନା ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କୋବାଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ପଚାରିଲା, ତାହେଲେ କୋବାଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର ଆସେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଆସେ। ଯଦି କହିବା ନିକେଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ଆସେ 1 ନମ୍ବର, କୋବାଲ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ଆସେ 2 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ବକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ଆସେ 1 ନମ୍ବର। ଓକେ, ତ ପଚାରିଲା କୋବାଲ୍ଟ କୋବାଲ୍ଟ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ କେତେ ସେନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କିଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ରେ କିଏ ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡ। ବୁଝିପାରିଲ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ନେକ୍ସଟ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ରାଙ୍କ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଟସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍? ତ ଟସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭେରାଇଟିର ଟସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର, ଟସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ କେତେ ନମ୍ବର, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ? ସମସ୍ତେ ଏହି ସେସନ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଟସର୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଆସେ। କେତେ ନମ୍ବର ରାଙ୍କ ଆସେ ନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଆସେ? ବିହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସେ। ବିହାର କ'ଣ ଆସେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ। ଯଦି କୁଶ ନା ସାର୍, ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ମନେକୁ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ନା ଅନୁଗୁଳ? କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅନୁଗୁଳରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାବିତ୍ରୀ ଜିନ୍ଦଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହୁଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଆସିଲେ ମନେ ରଖା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆସେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିଅର ନା ଅମିୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ ହେଲା। ଅମିୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ ଯିଏକି କ'ଣ ଆସନ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଜଜ୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଅମିୟା କୁମାରୀ ପାଢ଼ୀ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶା ଯଦି କୁହାଯାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ପଣ୍ଡେଇଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିବେ ବୀରକିଶୋର ରୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ବୀରକିଶୋର ରୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କହିବ। ଏଇଟା ବାଇ ମିସ୍ଟେକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି। କରେଣ୍ଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତୁମମାନେ ମୋତେ କହିବ, ହେଲା? ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଦ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଲିଂ ଟେମ୍ପଲ୍ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର। କେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କହୁଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। କାଲି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସେ, ପୁରା ପୁରୀ ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସେ, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ, କାଲି ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣେ। କାଲି ଠିକ୍ 7ରେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି ପ୍ଲାନ୍, ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ହେଲା। ଆଜି ଟିକେ ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦିଅ। ଓକେ, ତମ ଲେଖା ଦରକାର ଏସ୍ଏସ୍ ଆମମାନଙ୍କ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର ହେଲା, ଏସ୍ ମୁରଲୀଧର। ନେକ୍ସଟ, ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କେଉଁଟା? ନା ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପଲ। ଓକେ, ହୁଇଚ୍ ଅମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଅଛି? ସବୁଯାକ ଅଛି, ଲଲିତଗିରି ଅଛି, କ୍ଲିଅର? ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ, ଧଲିସ୍ତୂପ ଅଛି, ଲଲିତଗିରି ଅଛି, ରତ୍ନଗିରି ଅଛି, ପଦ୍ମ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲାମାନେ ପଦ୍ମପୁର ଅଛି, ଉଦୟଗିରି ଅଛି, ସବୁଯାକ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କ୍ଲିଅର? ବୁଝିଲ? ଆଣ୍ଡ 64 ୟୋଗିନୀ ଶ୍ରାଇନ୍ଟା ରାନୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ରାନୀପୁର ଝରିଆଲଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ? ରାନୀପୁର ଝରିଆଲଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅଛି, ହେଲା? 64 ୟୋଗିନୀ ଶ୍ରାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକି ରାନୀପୁର ଝରିଆଲରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ କୁହାଯାଏ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି? ନା ଆମ ମୁଖ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଅଲ୍ କ୍ଲିଅର? ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ଲିଅର? ଆଣ୍ଡ 60 କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣିଥିଲି ଆଜି, ବହୁତ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିଦେଇଥିଲି, ସରି। ଆଜି ଟିକେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପିଲାମାନେ, ବଟ୍ କାଲି ତୁମ ପାଇଁ ପୁରା ଟପ୍ ଲେଭେଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସି, କାଲି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ। କାଲି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ ତୁମର ସେସନ୍ରେ। ଓକେ, ସାକାର କିଟ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କର, Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଏନରୋଲ୍ କର ପିଲାମାନେ। ଏସ୍ଓର ଯଦି କହିବା ଅଭିପ୍ସା ପ୍ରୋ ବେଚ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଯଦି ଏନରୋଲ୍ କରିବାର ଅଛି, Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଏନରୋଲ୍ କରିବାର। ସାଫଲ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଜିଏ ବେଚ୍ ପିଲାମାନେ, ଟୋଟାଲ୍ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଚ୍ ପାଇଁ, Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ତୁମ ସାଫଲ୍ୟ ବେଚ୍କୁ ଏନରୋଲ୍ କରିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଣ୍ଡ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ SSCGL ବେଚ୍ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି କହିବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍ 2.0 ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର 2.0 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ Y281 ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାର ଭୁଲିବନି। TT ବେଚ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋକୋଡ଼୍ ୟୁଜ୍ ହେବ କେବଳ Y281। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କର PDF ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, PDF ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଜଏନ୍ କର। ଆଣ୍ଡ ଆପର ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଅଛି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ଉପରେ ସେସନ୍, ଏଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆପର ସେସନ୍ରେ ଟିକେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଆଜି ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଠିକ୍ 8ରେ, ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରିବି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ 8ରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।
एंड आप सेसन समस्त जॉइन कर एंड तुम समस्त प्रेजेन्स भी दरकार मत थैंक यू लव यू जब सेसन भल लगे पे क्वेश्चन टाक सरी सेसन टाक लाइक भी करदेव पे लाइक करदे ठीक अच्छे पक्का कल करेंट अफेयर क्वेश्चन नहीं आसवि कल पक्का बच्छा बच्छा क्वेश्चन नहीं आसती करेंट अफेयर डिफरेंट अवार्ड अनर्स डिफरेंट क्वेश्चन आड करेंगे कल सेसन को लाइक कर समस्त सेसन को लाइक कर एंड सब्सक्राइब चैनल को जो करना करदेव थैंक यू एवरीवन थैंक यू गुड नाइट।